मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। हुसैन सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोले जाने के बाद पानी के बेतहाशा बहाव की वजह से खतरा लाहक हो सकता है, जिसकी वजह से एहतियाती तौर पर पुराना पुल और चादर घाट का छोटे ब्रिज को बंद कर दिया गया और सौ जोन DCP साई चैतन्या, MIM किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने मूसा नदी के पानी का बहाव ज़्यादा होने से आसपास के मकानों में मुखीम अवाम को अपने रिश्तेदारों या हैदराबाद फंक्शन हॉल को मुंतकिल होने का मशवरा दिया, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवाम को रहने और खाने के इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर पुलिस बहादुरपुरा DSI मुगलपुरा इंस्पेक्टर हुसैन आलम DI और दीगर पुलिस का अमला मौजूद था। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह नहीं माँ, अभी इसका लोड जब से बारिश हो रही 4 बजे से कंटिन्यू, तो मैं इस एरिया में किशनबाग के एरिया में बराबर रह रहा हूँ, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मौजम खान साहब कहेंगे, जैसा कि पानी के दर हिमाचल सागर के दरवाज़ों में खोला गया था उसी टाइम से मैं इस एरिया में हूँ और मेरे साथ इब्तदाई सदर मोतमदीन भी है। रात के 2 बजे का टाइम DCP साहब, ACP मिर्जोक साहब, हमारे CI भादुपुरा मुगलपुरा CI साहब और DI हुसैन आलम साहब भी मेरे साथ है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस असद बाबा नगर से होते हुए नदी का एरिया जाता है तो कुछ कंस्ट्रक्शन पुराने भी है मकानात, और पानी घर में भी आने का डाउट होने की वजह से यहाँ पर आके ख़ासतौर पे DCP साहब उस लोगों को तब्दील कर दिए दूसरी जगह पर। कुछ लोग अपने अपने मेहमान करने चले गए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हैदराबाद फंक्शन हॉल लिया गया है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से वहाँ पर खाने का, रहने का, हर चीज़ का इंतज़ाम है। इंशाल्लाह ताला जब तक यहाँ प्रॉब्लम होगा आवाम को, उस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर वहाँ पर उन लोग को रह कर वहाँ पर रुका कर जो इंतज़ाम करना है खाने का और कुछ जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस चीज़ की सहूलत देंगे। सबको आदाब। आज अभी मुसी जी का दिवस के साथ जो एरिया है लो लाइंग एरिया, उसका एवैक्यूएशन कर रहे हैं, क्योंकि तो अभी ऊपर गंडी पेट और हिमालय सागर लेक से पानी छोड़ रहे हैं और अभी इस वक्त 18,000 क्यूसेक का पानी अभी चल रहा है और बढ़ने का चांसेस है। उसकी वजह से अभी जितने भी लो लाइंग एरियाज है और जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन जो हम लोग नरम लग रहे हैं वहाँ पे पूरा लोगों को एवैक्यूएट करके, जो या एक को हैदराबाद फंक्शन हॉल है, दूसरा अपने रिश्तेदारों का घर भी जा रहे हैं, तो उन लोग का अरेंजमेंट्स वगैरह या एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल कॉरपोरेटर साहब, किशनबाग का कॉरपोरेटर साहब हुसैनी पाशा साहब भी देख रहे हैं, तो इस एंटायर ऑपरेशन पे हमारा ACP मीर चौक, इंस्पेक्टर मुगलपुरा, इंस्पेक्टर बहादुरपुरा, DI हुसैनी आलम और यहाँ का लोकल फोर्स इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा ये ऑपरेशन जब तक ये सिचुएशन कंट्रोल पे नहीं आएगा तब तक हम लोग सभी लोग इस पे एवैक्यूएशन प्रोसेस पे कंटिन्यूस रहेंगे। और आप लोगों को इस मौके पे सभी लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ये जितने भी चेतावनी दे रहे हैं ये हमारे भलाई के लिए दे रहे हैं, तो सभी लोग को ये रिक्वेस्ट है कि हमारा इंस्ट्रक्शंस को प्लीज़ फॉलो करें और अपने आप अच्छे सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाएं। थैंक यू। आप देख सकते हैं नाजरीन, यहाँ पर तकरीबन घर जो है खाली हो चुके हैं और कुछ घरों में जो है लोग मौजूद है। ये देखिए आप, लॉक है ये घर को, जो सब अपना ज़रूरत का सामान जो है, जो ज़रूरी सामान, कीमती सामान है वो लेकर लोग यहाँ से जा चुके हैं, अपने अपने कोई रिश्तेदार के पास गया है, कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, मजलिस की तरफ से जो है यहाँ पर बाहर एक शादी खाना है जिसको मजलिस की तरफ से जो है
इन लोग को रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है, रहने का, खाने का और जो भी ज़रूरी सामान इनको लगेगा इंशाल्लाह जो है मजलिस की तरफ से दिया जाएगा। हुसैनी पाशा जो कॉरपोरेटर है किशनबाग के, उन्होंने बताया कि मजलिस की तरफ से ये सब इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं नाजरीन, पानी का बहाव यहाँ तक आ चुका है। ये भी एक घर, अभी मैं जो ठहरा हुआ हूँ, हम जो यहाँ पर ठहरे हैं, ये एक मकान का कॉलम है। ये आप देख सकते हैं दीवार, ये एक मकान का कॉलम है जो यहाँ पर शायद मकान बनते बनते रुक चुका है अभी। तो यहाँ तक जो है पानी आ चुका है और जो दरवाजे खुलने के बाद मज़ीद पानी यहाँ पर आने के इम्कान है। इसलिए जो है यहाँ से मकानियों को, जो जो भी यहाँ पर लोग मुखीम हैं, उन लोग को यहाँ से जो है खाली करवाया गया है, सिर्फ एहतियात के तौर पर, ताकि कोई जानी और माली नुकसान ना हो। तो इसलिए सब लोग जो है यहाँ से अपना अपना कीमती सामान लेकर जो है यहाँ से, कोई अपने रिश्तेदारों के पास गया है और जिसके रिश्तेदार करीब नहीं हैं वो जो है मजलिस की तरफ से जो शादी खाने का इंतज़ाम किया गया है वहाँ पर रहने के लिए और खाने की सहूलत दी गई है, वहाँ पर जो है लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर डीसीपी साउथ जोन श्री साई चैतन्य IPS ने भी मौके का जो है यहाँ पर दौरा किया है। दौरा करते हुए आवाम से रिक्वेस्ट की कि अपने अपने मकानों को खाली करें, खाली करके जो है अपने रिश्तेदारों के पास जाएं ताकि कोई हादसा ना पेश आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ये मूसा नदी का एक मंज़र है जो कि दोपहर का है कल, जहां पर उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाज़े खोलने से पहले का ये मंज़र है। आप देख सकते हैं पानी की सतह, पानी का लेवल यहां पर किस हद तक कम है और पानी का बहाव भी यहां पर जो है बहुत ही कम नज़र आ रहा है। और नाज़रीन ये है शाम का मंज़र, जो पानी के बहाव के कारण, पानी ज़्यादा हो जाने के कारण जो है यहाँ तक आ गया है, जहाँ से हम ठहर के दोपहर में वीडियो बनाए थे यहाँ तक जो है पानी आ चुका है। यहाँ पर बिल्कुल ही एक फिट सवा फिट पर जो है यहाँ पर आजू बाजू घर मौजूद है, लेकिन अभी पुलिस ने जो है ये यहाँ के मकानों को, यहाँ के घरों को जो है एहतियाती तौर पर यहाँ से खाली करवा कर एक शादी खाना हैदराबाद फंक्शन और शादी खाना जो मजलिस की तरफ से लिया गया है वहाँ पर जो है इन सब लोगों को मुंतकिल किया गया है। आप देख सकते हैं सारे मकान यहाँ पर लॉक है और कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं और कुछ लोग जो है वहाँ पर हैदराबाद जो फंक्शन हॉल में जो मजलिस की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए हैं कोई लोग वहाँ गए हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक जो है यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी पुलिस के जो है काफ़ी कहने के बावजूद। पर कुछ लोग यहाँ पर जो है लॉक डाल के अपने अपने मकान को चले गए हैं और कुछ लोग यहीं पर है। हम इन सब से भी हम गुजारिश करेंगे कि अपने अपने मकान, अपने अपने ज़रूरी सामान को जो है लेकर वहाँ से हट जाना ही अभी फ़िलहाल के लिए बेहतर है। कुछ लोग तो लॉक डाल के, आप देख सकते हैं लॉक डाल के यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि और दो दरवाज़े हिमायत सागर, हुसैन सागर के खोले जाने का अंदेशा है, जिसके बाद यहाँ पर पानी जो है बहुत बढ़ने का अंदेशा है, पानी का बहाव। और इसी के चलते नाजरीन देखिए ये पुराना पुल है, पुराने पुल को भी जो है यहाँ से बंद कर दिया गया है, लोगों को, गाड़ियों को आने जाने यहाँ से नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव जब दरवाज़े खुलेंगे तो पानी का बहाव जो है ज़्यादा हो सकता है, इससे कोई जो है ख़तरा भी हो सकता है, हमारे आवाम के लिए ख़तरा भी हो सकता है। इसलिए जो है यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस के बंदोबस्त के साथ इस रास्ते को भी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। वो दरवाज़े खुलने के बाद जो पानी का बहाव आएगा, वो पानी बहने के बाद जो है ये रास्ते तमाम पहले की तरह बाहर कर दिए जाएंगे। और नाज़रीन इस मौके पर
अब साउथ जोन डीसीपी साई चेतनिया, एसीपी मीर चौक और इंस्पेक्टर मोगलपुरा डीआई हुसैनी आलम, डीआई बहादुरपुरा ने हुसैनी पाशा कॉरपोरेटर जो मजलिस के कॉरपोरेटर है किशनबाग से उनके साथ दौरा करते हुए आवाम को समझाकर वहां से जो है मकानात खाली करने और अपने मुकाम को तब्दील करने या तो अपने रिश्तेदारों के पास या फिर जो हैदराबाद फंक्शन हॉल में जो खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले 7H न्यूज।